ग्वालियर में गुरुवार सुबह शहर पर निकली क्राइम ब्रांच की महिला रक्षक की मां पर कातिलाना हमला हुआ है। महिला पर एक बदमाश ने आकर फायरिंग की, गोली महिला के कंधे में आकर लगी है। गंभीर हालत में महिला को जेएस के ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया। हमलावर की पहचान घायल महिला ने अपने सगे भाई के रूप में की है। घायल महिला का 2 लाख रुपये के लेन देन को लेकर भाई से विवाद चल रहा है। घटना हीरा पीएचई कॉलोनी महादेव मंदिर के पास की है। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुँचाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अस्पताल पहुँचकर घायल के बयान दर्ज किए हैं। एक महिला वॉक पे निकली थी जिनके कंधे में गोली लगी, जिस पर पुलिस ने उनको तत्काल ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जेएच हॉस्पिटल में। प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने बताया कि उनके ही सगे भाई ने उनको उधार पैसों के लेन देन पर से, जिनमें विवाद 2-3 वर्ष से चला आ रहा है, उस पर से उनको गोली मार दी है। महिला खतरे से बाहर है, रिपोर्ट लेख कर ली गई है और आरोपी को भी राउंड अप कर लिया गया है।